कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि समय सीमा बैठक सप्ताह में एक बार ली जाती है। बैठक में शासन की प्रमुख योजनाओं की प्रमुखता और समय सीमा के किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। इस समय लाडली बहना योजना के संबंध में सभी CMO और CEO जनपद को निर्देशित किया गया है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। जैसे कि मुहिम चलाई जा रही है और जो भी आवेदन होने हैं वह 30 अप्रैल तक हो जाएंगे। 30 अप्रैल तक पोर्टल चालू रहेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में गेहूं और चना खरीदी को लेकर उपार्जन की समीक्षा की गई है। इसमें निर्देशित किया गया है कि किसानों को कोई दिक्कत न हो, उनका भुगतान समय से ही हो। उन्होंने कहा कि एक इशू आया था कि जिसमें कुएं और पुराने बोर जो खुले रहते हैं इसकी वजह से जनहानि न हो पाए, इस वजह से उन्हें तुरंत सप्ताह भर के अंदर अंदर मुंडेर करवाने हेतु सूचित तैयारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। समय सीमा बैठक हर वीकली ली जाती है और जिसमें प्रमुखता जो टाइम लिमिट में हम लोग को जो शासन की प्रमुख योजनाएं रहती हैं उसके बारे में चर्चा रहती है। इस समय लाडली बहना योजना 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है और सभी CMO और CEO जनपद को निर्देशित किया गया है कि कोई भी बहना बच ना पाए, इसीलिए ऐसा मुहिम चला दें और जो भी आवेदन होने हैं वो 30 अप्रैल तक हो जाएंगे। 30 अप्रैल भी पोर्टल चालू रहेगा। दूसरा, गेहूं खरीदी और चना खरीदी को लेकर उपार्जन की समीक्षा की गई है और इसमें यही निर्देशित किया गया है कि किसानों को दिक्कत ना हो किसी प्रकार की और भुगतान उनका टाइमली हो, तेजी से हो जाए। एक इशू जो आया था कि जो अपने कुएँ रहते हैं और पुराने बोर्स रहते हैं ये खुले रहते हैं, इसकी वजह से कोई जनहानि और कुछ ना हो पाए, इस वजह से उनको तुरंत सप्ताह भर के अंदर अंदर उस पर मुंडेर और उसकी सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। Subscribe now to most exciting channel ever.